कविताज मैजिकल किचन में। दोस्तों आप लोगों ने मेरी रेसिपी ट्राई तो की होगी, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों जैसा कि सर्दियां आ गई हैं और सर्दियों में अगर सरसों का साग नहीं खाया तो मजा अधूरा रह जाता है, तो चलिए बनाते हैं सरसों का साग। इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो हम मतलब जितना समय हमें लगता है सरसों का साग बनाने में, जो हमने सुना है कि बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन आज हम उसी के 50% समय में इसको बनाकर तैयार करेंगे। मतलब जितनी जल्दी हम आलू की सब्जी बनाते हैं उतनी जल्दी हम सरसों का साग बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं फिर। सरसों का साग बनाने के लिए हमको चाहिए एक बड़ा बोल बथुआ, जिसको बाथू भी बोलते हैं, एक बड़ा बोल पालक, एक बड़ा बोल सरसों। इन तीनों को बहुत अच्छे से साफ कर लेना है क्योंकि इनमें मिट्टी बहुत आती है, इसलिए इनको अच्छे साफ करके हम कुकर में एक साथ बॉईल करेंगे। इनको छोटा छोटा चॉप नहीं करना है क्योंकि ये हमारी शॉर्टकट रेसिपी है, जितनी जल्दी हम इसको बना सकते हैं हम इसको बनाएंगे। चलिए इसको कुकर में रखते हैं और बॉईल करते हैं। अब इन तीनों को हम कुकर में डालेंगे और बॉईल करेंगे। ये ग्रीन वेजिटेबल है तो इसको थोड़ा सा हमें कुकर में अच्छे से अंदर दबाना होगा, तभी ये हमारी सारी सब्जी इसके अंदर आ पाएगी। तीनों चीज़ों को मिक्स करके हमने कुकर में रख लिया है। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसमें मैं 2-3 लहसुन की कलियाँ डालूंगी जो कि साबुत है, और इसमें 2 स्पून हम मक्के का आटा डालेंगे। मक्के का आटा डालने से जो सरसों का जो साग का फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो 2 टेबल स्पून इसमें मक्के का आटा रहेगा और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। पानी बहुत ही हमें थोड़ा सा डालना है क्योंकि पालक ऑलरेडी पानी छोड़ता है, इसलिए पानी जो है बहुत कम डाला जाएगा। अब इसको हम 2-3 विसल आने पर बंद कर देंगे गैस। कि आप देख रहे हैं 3 सीटी आने पर मैंने गैस बंद कर दी और हमारा सरसों का साग जो है वो बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब इसको हम मिक्सी में घुमाएंगे। मिक्सी में सिर्फ एक बार ही घुमाना है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पिसे ना। दोस्तों साग हमारा मिक्सी में पिस चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैंने हल्का दरदरा रखा हुआ है। ये हमने 3 बड़े बोल लिए थे जो कि एक बड़ा बोल ही पिसने के बाद रह गया है। अब हम सरसों के साग में तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल अब डाल दिया है। उसके बाद हम जीरा डालेंगे थोड़ा सा, ये कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, और इसमें मैंने थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी लिया है और थोड़ा सा लहसुन भी चॉप करके रखा है। इन तीनों को मिक्स करके हम फ्राई करेंगे। इसमें हम प्याज डालेंगे जिसको मैंने थोड़ा छोटा छोटा बारीक काटा हुआ है। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर भी मैंने छोटा छोटा चॉप किया हुआ है, और इसको थोड़ी देर तक भुनेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं तड़का पूरी तरह से रेडी है। अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक हमें दोस्तों बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि जब हम साग को बॉईल कर रहे थे उस टाइम पे हमने नमक डाला था। बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने होते हैं क्योंकि जो साग का अपना एक स्वाद है वो बरकरार रहे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। इसमें अब जो हमारा साग का पेस्ट है उसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि प्याज टमाटर और साग का जो फ्लेवर है वो एक साथ निकल कर आए। ये हमने साग को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा साग रेडी है, लेकिन ये थोड़ा सा थिक हो गया है तो इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। दोस्तों तैयार है हमारा सरसों का साग। इसको हम मक्के की रोटी और गुड़ के साथ खाएंगे, और इसमें थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से जो सरसों का साग है उसका जो स्वाद है वो और अच्छा हो जाएगा। इसमें आप बटर भी डाल सकते हैं, आप घी भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये रेडी है हमारा सरसों का साग। दोस्तों सरसों के साग की शॉर्टकट रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, और ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दें, और इसी के साथ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद।